हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का, वो है कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स 2014। इसमें आप पढ़ने वाले हो कि कंपनीज के ऊपर कब कॉस्ट रिकॉर्ड्स की अप्लीकेबिलिटी होगी, मतलब कब उनको कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं, कितनी टर्नओवर लिमिट होनी चाहिए तब एक कंपनी अप्लीकेबल, कंपनी पे कॉस्ट रिकॉर्ड्स अप्लीकेबल हो जाएंगे, यानी कॉस्ट रिकॉर्ड उनको मेंटेन करने पड़ेंगे, कब कंपनीज को कॉस्ट ऑडिट कराना पड़ेगा यानी कॉस्ट ऑडिट अप्लीकेबिलिटी कब होगी, तो उसके बारे में, फिर कॉस्ट ऑडिट कराने के लिए कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट करना होता है कंपनी को, तो उन सब के बारे में रूल्स दे रखे हैं कि कैसे ये चीजें अप्लीकेबल होगी। तो देखो, कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो एम्पावर करता है, कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो एम्पावर्स करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो केंद्रीय सरकार है उसको वो अधिकार देता है कि वो रूल्स बना सकती है इसके रिगार्डिंग, कॉस्ट के और ऑडिट्स के रिगार्डिंग रूल्स बना सकती है, एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ कंपनीज पे ये अप्लीकेबल कर सकती है। तो कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स 2014 जो है वो 30 जून 2014 को केम इनटू एग्जिस्टेंस, मतलब ये अस्तित्व में आ गए थे। इसका रूल 3 बोलता है अप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स, यानी कॉस्ट रिकॉर्ड्स कब अप्लीकेबल होंगी, कॉस्ट रिकॉर्ड्स कब अप्लीकेबल होंगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अप्लीकेबिलिटी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स, यानी कॉस्ट रिकॉर्ड्स कब मेंटेन करने पड़ेंगे, कब इसकी अप्लीकेबिलिटी स्टार्ट होती है। तो उससे पहले आप ये जान लो कि कॉस्ट रिकॉर्ड्स होते क्या हैं। तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स क्या होंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिलेटिंग टू मटेरियल, मतलब जो मटेरियल यूज किया है, आप कह सकते हो यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल, लेबर, अदर कॉस्ट यूज इन द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में जो भी अदर कॉस्ट यूज हो रही है, जो लेबर यूज हो रहे हैं, जो मटेरियल यूज किया जा रहा है, तो जितनी भी कॉस्ट हो रही है उन सब का रिकॉर्ड रखना, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट रिकॉर्ड्स। तो डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी दोनों कंपनियों के लिए कॉस्ट रिकॉर्ड्स की अप्लीकेबिलिटी हम चेक कर लेते हैं। तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स किनको मेंटेन करना है, हम देख रहे हैं डोमेस्टिक कंपनी हो या फॉरेन कंपनी हो। अब इस डोमेस्टिक फॉरेन कंपनी को भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, एक है रेगुलेटेड सेक्टर्स, एक है नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स। अब नाम से ही मालूम पड़ रहा है, देखो रेगुलेटेड मतलब यहां पर रेगुलेशंस होता है, कंट्रोल होता है खुद का। जैसे टेलीकॉम्युनिकेशन की बात कर लूं तो मैं ट्राई जो है टेलीकॉम रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज हैं उन पे कंट्रोल करता है, यानी यहाँ पर ऑफिशियल रूल्स बहुत ज्यादा होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का अपना एक कमीशन होता है। तो रेगुलेटेड सेक्टर्स के अंदर जो डिफाइन है, जैसे टेलीकॉम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, फर्टिलाइजर्स, शुगर, तो जितनी भी इंडस्ट्रीज आती है ये फॉल करती है रेगुलेटेड सेक्टर्स में। आपको भी नाम याद रखने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ज्यादा नहीं लेकिन जो मैंने लिखे हैं उसमें से कुछ तो याद रखना, आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और देखो नॉन रेगुलेटेड, यहाँ पर ऑफिशियल रूल्स बहुत कम होते हैं, कंट्रोल ना के बराबर होता है, तो काफी चीजें यहाँ पर मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग के थ्रू भी चल जाती है। तो इसमें एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे मशीनरी, जो इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी होती है वो आएगी, वो इंडस्ट्री आएगी, जो स्पेस एंड एटॉमिक होते एनर्जी बनाते हैं वो इंडस्ट्री आएगी, सॉरी टर्बोजेट्स, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, एरोनॉटिकल सर्विसेज, आयरन स्टील इंडस्ट्री आएगी, रबर, कॉफी टी जो बनाती है, सीमेंट इंडस्ट्री, मिनरल फ्यूल, जूट, हेल्थ सर्विसेज, मिल्क पाउडर, है ना, तो टेक्सटाइल, तो ये सब आपको एग्जाम्पल, कुछ तो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम पढ़ते हैं रूल 3 के अंदर कि कॉस्ट रिकॉर्ड्स की अप्लीकेबिलिटी, यानी कॉस्ट रिकॉर्ड्स किन पे अप्लीकेबल होगा। तो मैंने आपको बताया कि कॉस्ट रिकॉर्ड्स क्या होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट रिलेटिंग टू मटेरियल, लेबर, अदर कॉस्ट यूज इन प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन के अंदर जो भी मटेरियल यूज किया जा रहा है, जो भी लेबर यूज की जा रही है, जो भी अदर कॉस्ट यूज की जा रही है, उन सब का रिकॉर्ड रखना, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट रिकॉर्ड्स। फिर बताया कि कॉस्ट रिकॉर्ड्स जो है उसको मेंटेन करना डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी, इनको फिर दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया कि कौन सी ऐसी इंडस्ट्री कंपनी है जो फॉल करती है रेगुलेटेड सेक्टर्स के अंदर, रूल 3 में डिफाइन कर रखा है, और नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स के अंदर, ठीक है।
तो ये जो सेक्टर्स है रेगुलेटेड एंड नॉन रेगुलेटेड, ये इंगेज है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं ये, और सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं यानी माल का उत्पादन और सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और इनका जो एनुअल टर्नओवर हैविंग एनुअल टर्नओवर, उनका जो एनुअल टर्नओवर होगा वो फ्रॉम ऑल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, यानी जितने भी ये प्रोडक्ट्स ये बनाते हैं, यानी जो भी कंपनी की बात कर रहा हूँ जो फॉल करती है इन सेक्टर्स के अंदर, पर्टिकुलर इंडस्ट्री, पर्टिकुलर क्लास ऑफ कंपनीज के लिए। तो अगर इनका एनुअल टर्नओवर, एक तो ये गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं या सर्विस को प्रोवाइड करते हैं, और इनका जो एनुअल टर्नओवर यानी इनकी सेल्स या ग्रोस रिसीट जो होती है, इनका जो एनुअल टर्नओवर है फ्रॉम ऑल इट्स प्रोडक्ट्स, जितने भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, हो सकता है एक कंपनी दो प्रोडक्ट बनाए, तीन बनाए, चार बनाए, कोई एक बनाती है, तो ये डिपेंड करता है कंपनीज के नेचर पे, बिजनेस नेचर पे। तो बोला कि भाई देखो, डोमेस्टिक कंपनी हो या फॉरेन कंपनी हो, अगर वो फॉल करती है रेगुलेटेड सेक्टर्स या नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स के अंदर, और वो इंगेज है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में, और जिसका जो टर्नओवर है ओवरऑल पूरा मिला के सभी प्रोडक्ट्स एंड सर्विस से वो अगर 35 करोड़ या उससे ज्यादा होता है इन प्रिसेडिंग फाइनेंशियल ईयर, इन प्रिसेडिंग फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब क्या होता है देख लेते हैं। प्रिसेडिंग फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होगा, जैसे आपको चेक करना, आपको यानी कंपनी जो फॉल कर रही है रेगुलेटिंग या नॉन रेगुलेटिंग सेक्टर्स के अंदर, जो प्रोडक्शंस करती है गुड्स का और सर्विस प्रोवाइड करती है, उसको चेक करना है कि क्या उस पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने अप्लीकेबल है, क्या उनको कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेनेंस जो है वो करना पड़ेगा, तो उनको चेक करना है। तो अगर कंपनी को चेक करना है 2020-21 फाइनेंशियल ईयर में, क्या 2021 में कंपनी को चेक करना हो कि क्या 2021 में उसको कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट कॉस्ट से रिलेटेड मेंटेन करने हैं, तो उसको देखना पड़ेगा कि इससे प्रेसिडिंग जो फाइनेंशियल ईयर होगी, इससे पहले की जो फाइनेंशियल ईयर होगी, जैसे मैं बात करूं 19-20 की, एक एबीसी लिमिटेड कंपनी, उसको चेक करना है कि 20-21 में क्या वो कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगी, तो वो अपनी पहले की प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में जाएगी 19-20 में, और वहां पे वो चेक करेगी अपना टर्नओवर, वहां पे वो चेक करेगी अपना टर्नओवर। टर्नओवर अगर देखो, मैंने तीन केस बनाए, अगर टर्नओवर जो है वो 34 करोड़ रुपए है तो आंसर होगा नो, कॉस्ट रिकॉर्ड इनको मेंटेन करने हैं नहीं करने, नो आंसर हो जाए, क्योंकि कितना होना चाहिए, कम से कम 35 करोड़ होना चाहिए। दूसरा केस, अगर इन इस कंपनी का जो टर्नओवर है वो 35 करोड़ है तो आंसर हो जाएगा यस, इसको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं। टर्नओवर अगर 40 करोड़ जाए तो कॉमन सी बात है, 35 या उससे अधिक होगा तो इनको कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने अनिवार्य है, इनको मेंटेन करना पड़ेगा यस। तो बातें मैंने आपको बताई कि देखो, डोमेस्टिक कंपनी हो फॉरेन कंपनी हो, उसको डिवाइड कर दिया रेगुलेटेड सेक्टर्स और नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स के अंदर, अगर ये प्रोडक्शंस करते हैं गुड्स का, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और उनका एनुअल टर्नओवर जो है सभी प्रोडक्ट्स और सर्विस को मिला के वो 35 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तो अब चेक करना होता है ये किस में होना चाहिए, प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में, जिस फाइनेंशियल ईयर में आपको चेक करना है कि इस साल क्या हमें कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, तो आप इससे पहले की प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर चेक कर लो कि वहां पर 35 करोड़ उससे ज्यादा टर्नओवर होता है, तो फिर यस आंसर हो जाएगा, यस कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं। अब देखो, कॉस्ट रिकॉर्ड के अंदर क्या जाता है, कॉस्ट रिकॉर्ड जो मेंटेन होता है वो होता है फॉर्म CRA1 के अंदर, जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स कंपनी मेंटेन करेगी वो CRA1 में उसकी 30 हेडिंग होती है, 30 हेडिंग्स होती है, जैसे मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इम्प्लॉई कॉस्ट, रिपेयर मेंटेनेंस ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, WIP वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, प्रोडक्शन रिकॉर्ड, सेल्स रिकॉर्ड, कॉस्ट स्टेटमेंट, तो 30 हेडिंग्स होती है। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है, आपको भी थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए कि फॉर्म CRA1 क्या होता है। फॉर्म CRA1 में कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं कंपनी को, CRA1 में कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं, 30 हेडिंग्स होती है। तो 30 हेडिंग्स में मैंने कुछ हेडिंग्स के एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखे हैं, तो आपको मालूम चल गया कि कोई भी कंपनीज जो फॉल करती है रेगुलेटिंग या फिर नॉन रेगुलेटिंग सेक्टर्स में, और वो प्रोडक्शंस करती है या सर्विस प्रोवाइड करती है, उसका जो टर्नओवर है प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में वो 35 करोड़ या उससे ज़्यादा होता है,
तो उसको कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ेगा। अब मैंने एक नोट लिखा हुआ है, वो देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट टू मेंटेन कॉस्ट रिकॉर्ड इन फॉर्म CRA1। देखो जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं वो फॉर्म CRA1 में 30 हेडिंग्स होती है, उसमें मेंटेन करने होते हैं। लेकिन यू हैव बीन पोस्टपोन, इसको पोस्टपोन कर दिया गया था फाइनेंशियल 15-16 से। कौन सी कंपनीज के लिए? जो कंपनीज इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी बनाती है, मिल्क पाउडर बनाती है, कॉफी या टी का मैन्युफैक्चर करती है, ग्रो करती है, उनके लिए ये पोस्टपोन हो गया था 15-16 में। अब देखो आपको मालूम चल गया कि कॉस्ट रिकॉर्ड्स किनको मेंटेन करने हैं, मैंने आपको बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं अप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट, यानी कॉस्ट ऑडिट किनको करवाना पड़ेगा, किन पे ये अप्लीकेबल होगा। वही दो कैटेगरी बना दी, रेगुलेटरी सेक्टर्स और नॉन रेगुलेटरी सेक्टर्स। इसके अंदर आपको देखना है कि अगर ओवरऑल एनुअल टर्नओवर प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में, अगर रेगुलेटेड सेक्टर्स में कोई इंडस्ट्री फॉलो करती, कोई पर्टिकुलर क्लास ऑफ कंपनी जो है वो रेगुलेटरी सेक्टर्स में फॉलो करती, जैसे टेली कम्युनिकेशन हो गया, है ना, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, पेट्रोलियम नेचुरल गैस हो गया, तो ऐसी कंपनी अगर यहाँ फॉल करती है रेगुलेटिंग सेक्टर्स के अंदर, और उसका जो ओवरऑल एनुअल टर्नओवर है प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर वो 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो ऐसी कंपनी के लिए कॉस्ट ऑडिट अप्लीकेबल हो जाएगा, उनको कॉस्ट ऑडिट कराना पड़ेगा अपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स का। रूल 4, अभी मैं बात कर रहा हूं रेगुलेटरी सेक्टर्स की। जो भी कंपनी इस सेक्टर्स में फॉलो करती है और उनका एनुअल टर्नओवर जो है वो ओवरऑल, मतलब सारे प्रोडक्ट्स का मिला के, सारी सर्विस का मिला के, अगर उनका टर्नओवर, उनकी सेल्स या ग्रोस रिसीट जो है वो प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 50 करोड़ या उससे ज्यादा हो जाती है, तो ऐसी कंपनीज को कॉस्ट ऑडिट कराना पड़ेगा। कॉस्ट ऑडिट कौन करेगा? कॉस्ट ऑडिटर, उसका अपॉइंटमेंट भी हम देख लेते हैं कैसे होगा, आगे देखेंगे। फिलहाल बात कर रहा हूं कॉस्ट ऑडिट किस पे अप्लीकेबल होगा। अब रेगुलेटिंग सेक्टर्स की बात कर रहा हूं, तो इसके देखो रूल 4 जो है वो बोलता है कि कॉस्ट ऑडिट कराना पड़ेगा कंपनीज को अगर एनुअल टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 50 करोड़ से ज्यादा होता है। लेकिन रूल 4 विल नॉट अप्लाई ऑन द फॉलोइंग, इन पे अप्लीकेबल नहीं होगा रूल 4 यानी कॉस्ट ऑडिट। इफ ऑपरेट्स इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, अगर कोई कंपनी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई अंडरटेकिंग स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में ऑपरेट करती है तो उस पे रूल 4 अप्लीकेबल नहीं होगा, यानी उसको कॉस्ट ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है। इफ रिवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट, अगर कोई अंडरटेकिंग एक्सपोर्ट करती है तो कॉमन सी बात है उसकी जो अर्निंग आएगी, जो रिवेन्यू आएगी, वो फॉरन एक्सचेंज में आएगी, और वो अगर टोटल रिवेन्यू के 75% से अधिक है, यानी एक्सपोर्ट से उसको रिवेन्यू हो रही है फॉरन एक्सचेंज में, वो टोटल रिवेन्यू के 75% से अधिक होती है, तो ऐसी कंपनीज को भी रिक्वायरमेंट नहीं है कॉस्ट ऑडिट की, तो उनपे रूल 4 अप्लीकेबल नहीं होगा, रूल 4 अप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन नोट ध्यान रखना, इन पे रूल 3 अप्लीकेबल होगा। रूल 3 का मतलब ऐसा नहीं कि इनको कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करने, इनको कॉस्ट रिकॉर्ड्स तो मेंटेन करने हैं, बट रूल 4 यानी इनको कॉस्ट ऑडिट नहीं करवाना। जो कंपनी, जो अंडरटेकिंग स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ऑपरेट करती है, जो एक्सपोर्ट से रिवेन्यू कमा रही है टोटल रिवेन्यू का एटलीस्ट 75% या उससे ज्यादा, मतलब एटलीस्ट नहीं आप कह सकते हो 75% से ज्यादा अगर वो रिवेन्यू अर्न करती है एक्सपोर्ट से, तो इनको कॉस्ट ऑडिट नहीं करवाना, लेकिन इन पे रूल 3 अप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब ये कि इनको कॉस्ट रिकॉर्ड्स तो मेंटेन करवाना है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स तो मेंटेन करना पड़ेगा, हाँ कॉस्ट ऑडिट से बच जाएगी, इन पे कॉस्ट ऑडिट के रूल अप्लीकेबल नहीं होंगे। अब हम बात कर लेते हैं नॉन रेगुलेटरी सेक्टर्स के, यानी ऐसी कंपनीज जो फॉल करती है नॉन रेगुलेटरी सेक्टर्स में, नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स के अंदर। अगर कोई कंपनी फॉल करती है नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स, यानी एनर्जी, टर्बोजेट्स, रबर, कॉफी, टी, सीमेंट, फिन, जूट, मिल्क पाउडर, टेक्सटाइल्स, आयरन, स्टील,
ऐसी कंपनी जिनका एनुअल टर्नओवर ओवरऑल मतलब सारा मिला के अगर ओवरऑल एनुअल टर्नओवर जो है वो प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में 100 करोड़ या उससे ज्यादा अगर होता है, कोई कंपनी जैसे आयरन स्टील हो गई, रबर हो गई, कॉफी हो गई, सीमेंट हो गई, मिनरल फ्यूल हो गई, जूट हो गई, अगर ऐसी कंपनी जो है उनका एनुअल टर्नओवर जो है वो प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में 100 करोड़ या उससे ज्यादा है तो इनको कॉस्ट ऑडिट करवाना पड़ेगा, रूल फोर इन पे अप्लीकेबल हो जाएगा, रूल फोर इन पे अप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन अगर ये स्पेस अगर कोई अंडरटेकिंग जो है जो फॉल करती है नॉन रेगुलेटिंग सेक्टर यानी आयरन स्टील रबर वगैरह, तो कोई भी हो सकती है जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ऑपरेट करती है और उसकी रिवेन्यू जो है एक्सपोर्ट से आ रही है फॉरेन एक्सचेंज में, यानी 75% टोटल रिवेन्यू के 75% से अधिक एक्सपोर्ट से रिवेन्यू आती है फॉरेन एक्सचेंज में, तो इन पे रूल फोर अप्लीकेबल नहीं होगा, इनको कॉस्ट ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है, इनको कॉस्ट ऑडिट नहीं कराना पड़ेगा। लेकिन हाँ रूल थ्री इन पे आप अप्लीकेबल होगा, मतलब कॉस्ट रिकॉर्ड्स तो मेंटेन करवाने हैं इनको, बुक्स ऑफ अकाउंट कॉस्ट से रिलेटेड इनको मेंटेन करना है। अब देखो मैंने ऊपर बात की है सारे प्रोडक्ट का या सर्विस का टर्नओवर मिला के, अगर मैं बात करूं रेगुलेटिंग सेक्टर्स की तो मैंने आपको बताया कि रेगुलेटिंग सेक्टर्स के अंदर जो ओवरऑल सभी प्रोडक्ट्स का मिला के टर्नओवर जो है वो प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में 50 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, ये तो सारे प्रोडक्ट्स या सर्विस को मिला के है एग्रीगेट। लेकिन हो सकता है किसी कंपनी का एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट या सर्विस, हो सकता है कोई कंपनी जो तीन तीन प्रोडक्ट बनाती हो तो सारे प्रोडक्ट को मिला के तो उनका एग्रीगेट नहीं बन रहा है भाई, सारे प्रोडक्ट को मिला के 50 करोड़ उससे अधिक नहीं होता है। लेकिन लेकिन हो सकता है कि एक सिंगल प्रोडक्ट का 25 करोड़ से अधिक हो जाए, तो क्या बोला कि एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द इंडिविजुअल प्रोडक्ट और सर्विस अगर 25 करोड़ या उससे ज्यादा है तो भी इसको कॉस्ट ऑडिट कराना पड़ेगा, तो भी इसको कॉस्ट ऑडिट कराना पड़ेगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं नॉन रेगुलेटिंग सेक्टर्स की, तो यहां पर जो इंडिविजुअल प्रोडक्ट या सर्विस का एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो 35 करोड़ या उससे ज्यादा हो गया तो इनको कॉस्ट ऑडिट कराना पड़ेगा, यानी कॉस्ट ऑडिट अप्लीकेबल इन पे हो जाएगा। देखो एग्जाम्पल समझ लो, एक पी लिमिटेड है कि प्रोडक्ट बनाती है एबीसी, पी लिमिटेड जो है वो तीन प्रोडक्ट बनाती है एबीसी, एक प्रोडक्ट प्रोडक्ट से इनका टर्नओवर हो रहा है 25 करोड़, बी से हो रहा है 15, सी से हो रहा है 5, यानी टोटल कितना हो गया 25, 15, 40 से 45, यानी 50 करोड़ या उससे अधिक तो नहीं हुआ एग्रीगेट सारे का मिला के। लेकिन इंडिविजुअल प्रोडक्ट का तो 25 करोड़ हो गया, अब इंडिविजुअल प्रोडक्ट का अगर टर्नओवर 25 करोड़ या उससे अधिक होता है तो भी इनको कॉस्ट ऑडिट अप्लीकेबल हो जाएगा, इनको कॉस्ट ऑडिट कराना पड़ेगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं नॉन रेगुलेटिंग सेक्टर्स की, तो यहां पर देखो पी लिमिटेड है वो तीन प्रोडक्ट बनाती है एक्स, वाई और जेड, एक्स से टर्नओवर हो रहा है 5 करोड़ का, वाई से होता है 36 करोड़ का और जेड से होता है 20 का, अगर तीनों को मिला दूं मैं तो एग्रीगेट कितना बन जाएगा, ये 36 प्लस 20 56 और प्लस 5 हो जाएगा 61, तो देखो 100 करोड़ तो क्रॉस नहीं किया, 100 करोड़ तो क्रॉस नहीं किया है एग्रीगेट, एग्रीगेट बोला 100 करोड़, एग्रीगेट 100 करोड़ है देखो। लेकिन क्या बोला कि अगर इंडिविजुअल टर्नओवर किसी प्रोडक्ट का या सर्विस का 35 करोड़ या उससे अधिक हो जाता है, तो देखो अगर मैं बात करूं पी लिमिटेड की, तो पी लिमिटेड के केस में देखो एग्रीगेट सारा मिला के तो 100 करोड़ या उससे अधिक नहीं होता, लेकिन हाँ इंडिविजुअल जो है वो देखो वाई प्रोडक्ट का क्रॉस हो रहा है 35 करोड़ के ऊपर, तो यहाँ पे भी कंपनी पी जो होगी उसको कॉस्ट ऑडिट अप्लीकेबल हो जाएगा, इनको कॉस्ट ऑडिट कराना पड़ेगा। अब जो कॉस्ट ऑडिट है वो करेगा कॉस्ट ऑडिटर, जो कॉस्ट ऑडिट है वो कौन करेगा, कॉस्ट ऑडिटर, तो इसका अपॉइंटमेंट भी करना होगा कंपनी को। यस अपॉइंटमेंट भी देख लेते हैं हम कि क्या रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे अपॉइंटमेंट से संबंधित। तो रूल 6 में बताया गया है अपॉइंटमेंट के बारे में, एक कंपनी है उसको अपॉइंट करना होता है ऑडिटर, तो कंपनी जो है पहले तो कॉस्ट ऑडिटर से एक रिटर्न कंसेंट लेती है लिखित में उसकी संतुष्टि, उससे एक सर्टिफिकेट भी लेती है, सर्टिफिकेट में लिखा होता है कॉस्ट ऑडिटर बोलता है कि मैं जो भी इंडिविजुअल फर्म हूँ वो एक तरह से एलिजिबल हूँ, मेरे पास मतलब
क्वालिफिकेशन, मैं डिस्क्वालीफाई नहीं हूँ, मेरे ऊपर कोई केस भी नहीं चल रहा है, और जितने भी रूल्स होते हैं कॉस्ट ऑडिट्स के वो सब सब मेरे पर अप्लीकेबल है, सारे में मैं प्रॉपरली फॉलो करता हूँ, तो सर्टिफिकेट में चीज़ें लिखी होती हैं। और एक रिटर्न कंसेंट जो है कंपनी को ले लेती है कॉस्ट ऑडिटर से। उसके बाद कंपनी जो है इस कॉस्ट ऑडिटर को अगर वो अपॉइंट कर लेती है तो इसको वो इन्फॉर्म कर देती है अपॉइंटमेंट के बारे में। कंपनी जो है वह कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंटमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे देती है। कंपनी जो अपॉइंट करती है कॉस्ट ऑडिटर को, उसको अपॉइंटमेंट होते ही इन्फॉर्म करना होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, इंटीमेशन देनी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि नोटिस फाइल करता है उनको एक नोटिस फाइल करना होता है तो क्या बोला, विद इन 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होते ही उसके 180 दिन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट की इंटीमेशन देनी है, उसको फाइल करना पड़ेगा नोटिस। जैसे ही आपने अपॉइंटमेंट किया, कंपनी जैसे ही अपॉइंट करती है ऑडिटर को, तो एक तो ऑप्शन ये है उसके पास कि वो फाइनेंशियल ईयर शुरू होते ही 6 महीने के अंदर, लगभग 180 दिन यानी 6 महीने हो गए ऑन एन एवरेज, 180 दिन के अंदर उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑडिटर की अपॉइंटमेंट का इंटीमेशन देना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि हमने कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट कर लिया है। या फिर कंपनी के पास एक ऑप्शन ये है कि बोर्ड मीटिंग हुई, बोर्ड मीटिंग में अगर ऑडिटर अपॉइंट हो जाता है, ऑडिटर अपॉइंटमेंट की बातें होती है, अपॉइंटमेंट हो जाता है और बोर्ड मीटिंग होती है, तो बोर्ड मीटिंग होने के 30 दिन के अंदर कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट को जो ऑडिटर इसने अपॉइंट किया है बोर्ड मीटिंग में जिसका अनाउंसमेंट हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा इसकी अपॉइंटमेंट के बारे में। दोनों में से जो अर्लियर फॉल करेगा, जो पहले होगा, या तो 180 दिन फाइनेंशियल स्टार्ट होने से, या फिर बोर्ड मीटिंग अगर पहले हो जाती है तो पहले आप इंटीमेट कर दो 30 दिन के अंदर बोर्ड मीटिंग होते ही। और जो कॉस्ट ऑडिटर जो अपॉइंट होता है वो 180 दिन के लिए होता है, टिल 180 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। आप देखो जैसे क्लोज होता है फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को, तो क्लोज होने से 180 दिन तक इसका पीरियड होता है, क्योंकि इसको ऑडिट करना होता है आफ्टर द क्लोजर ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। फाइनेंशियल ईयर जब क्लोज होता है तो बुक्स ऑफ अकाउंट जो है पूरा कंप्लीट हो जाते हैं, उसको ऑडिट करता है, ये कॉस्ट रिकॉर्ड्स को ऑडिट करता है। तो जो कंपनी कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट करती है वो 180 दिन के लिए अपॉइंट करती है फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी 31 मार्च के बाद 180 दिन होते हैं 6 महीने, या फिर आप कह सकते हो टिल द सबमिट्स ऑफ कॉस्ट रिपोर्ट, यानी या फिर जब तक वो कॉस्ट रिपोर्ट सबमिट ना कर दे। ठीक है, तो समस्या ये है कि जो ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है वो 180 दिन के लिए अपॉइंट होता है फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, और जब तक वो रिपोर्ट सबमिट ना कर दे। अब कंपनी ने ऑडिटर अपॉइंट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, तो अपॉइंट करने के बाद जो ऑडिटर होगा वो क्या करेगा, ऑडिट करेगा किसकी, कॉस्ट रिकॉर्ड्स की ऑडिट करेगा। लेकिन उससे पहले आप ये जान लो कि जो कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट किया है कंपनी ने, अगर किसी कारणवश वो रिजाइन कर दे, या फिर कंपनी उसको खुद ही हटा दे, तो भैया कैजुअल वैकेंसी अराइज हो जाएगी। तो ऐसे केसेस में बोला कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, उसको 30 दिन के अंदर इन्फॉर्म करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को अबाउट सच अपॉइंटमेंट विद इन 30 डेज। 30 दिन के अंदर एक तो आप अपॉइंटमेंट कर लो कैजुअल वैकेंसी का, और सीआरए टू एक फॉर्म है, उसके अंदर अपॉइंटमेंट होते 30 दिन के अंदर कैजुअल वैकेंसी का आप सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटीमेट कर दो, इन्फॉर्म कर दो, नोटिस फाइल कर दो। तो अपॉइंटमेंट हो गया, कोई कैजुअल वैकेंसी भी होती है तो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो 30 दिन के अंदर अपॉइंट कर लेते हैं, उस वैकेंट सीट को फुलफिल कर लेते हैं, और 30 दिन के अंदर अपॉइंटमेंट होने के 30 दिन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटीमेट कर देते हैं सीआरए 2 के अंदर, सीआरए 2 फॉर्म होता है। तो जब ऑडिटर अपना कॉस्ट ऑडिट कंप्लीट करेगा, भाई जिसके लिए इसको लगा रखा है वो काम तो करेगा ही, 180 दिन का टाइम होता है इसके पास, जब तक वो रिपोर्ट सबमिट ना कर दे। अगर पहले सबमिट कर देता तो पहले इसका टर्म एक्सपायर हो जाएगा,
ऑडिटर जो है वो कोर्स ऑडिट करेगा कंप्लीट। तो कंप्लीट होने के बाद ऑडिट, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, ऑडिट कंप्लीट होने के बाद जो कोस्ट ऑडिटर है वो सबमिट करता है कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट। कोस्ट ऑडिटर विल सबमिट कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 180 डेज। जैसे ही कोस्ट ऑडिटर ने अपना काम किया, कोस्ट ऑडिट की एक कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट जो देगा वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को 180 दिन के अंदर वो दे देगा। और कंपनी जो है वो उसको सबमिट कर देगी। जैसे ही कंपनी को कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट जो है उसकी कॉपी रिसीव होगी, रिसीव होते ही कंपनी क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को 30 दिन के अंदर, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट, CRA 4 के अंदर, यानी CRA 4 एक फॉर्म होता है उसके अंदर कंपनी कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी मिलते ही सेंट्रल गवर्नमेंट को CRA 4 के अंदर सबमिट कर देगी कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट। तो बच्चों ये था कोस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स 2014। कोशिश की सिंपली एक्सप्लेन करने की आपको, और जितना पोर्शन कवर किया है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना आपके लिए मोर देन सफिशियंट है। ठीक है, तो थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।